सो सॉरी यार, मुझे आने में देर हो गई। वो क्या है ना, असल में सोसाइटी वाले मिलके अपनी सोसाइटी की साफ सफाई करते हैं, तो बस उसी में थोड़ा समय लग गया। ठीक है यार, कोई बात नहीं। यार ये बता, तेरा यूएस ट्रिप कैसा रहा? सब बढ़िया था ना? कोई दिक्कत हाँ नहीं? हाँ बहुत ही बढ़िया है। चीफ प्रोसेस रसम में पता है हमने बहुत मजे किए। हुआ इतनी सुंदर जगह है वो, और इंडिया को देखो कितनी भीड़ भाड़ पॉल्यूशन, उफ बस में से नहीं है। इतनी सुंदर जगह है वहाँ की, इतनी साफ सुथरे सड़के। मैं तो सोचती हूँ वही सेटल कर। अच्छा तुम भी क्यों नहीं चलता वहाँ सेटल हो जाती हो? वहाँ पे तुम्हारे कितने सारे रिलेटिव रहते हैं। हाँ यार वो तो है, पर मुझे मेरा भारत ही पसंद है। क्यों, क्या रखा है यहाँ? कौन सा चीज है जो तुम्हें इतना पसंद है? अब इस पार्क को ही देख लो, कितनी गंदगी फैली हुई है। तुम्हें पता है म्युनिसिपैलिटी वाले हर रोज सुबह इस पार्क की साफ सफाई करते हैं। तो इसमें क्या, ये तो सरकार का ही काम है। तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है? अगर रोज सफाई करते होंगे तो चारों तरफ इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? अरे ये गंदगी तो हम जैसे लोग ही फैलाते हैं ना। अब देखो ना, बातों बातों में तुम इतनी उलझी नहीं कि तुमने कचरा यहीं फेंक दिया। ओ वेट, यहाँ पे डस्टबिन कहाँ है? लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? पार्क में ही तो फेंकेंगे। तुम्हारे पीछे ही एक डस्टबिन है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, सामने ऑप्शन होते हुए भी लोग ध्यान नहीं देते और फिर हर बात की जिम्मेदार सरकार को ही ठहराते हैं। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। देखो अब ये पार्ट कितना बेहतर लग रहा है। हाँ यार, मैंने तो तीसरे के तो सोचा ही नहीं था। अगर मैं हम सब रिस्पॉन्सिबल बन जाते तो मेरा भारत भी इससे जरा ज्यादा बेहतर बन सकता था। सरकार के साथ ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की सफाई को बरकरार रखें। जिस तरह हम अपने घर का कूड़ा घर में नहीं फेंकते, इसी तरह ये देश जो हमारा अपना, उसे भी गंदा होने से रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत एक सपना है, इसे स्वच्छ दिल से अपनाएं और एक स्वच्छ दिमाग से इसके बारे में सोचें।